बतौर वकील ये कह रहा हूं कि मुझे अब अदालतों पर भरोसा नहीं रह गया है। क्यों? क्योंकि फैसले अब कानून और सबूतों के आधार पर नहीं हो रहे। अब फैसले जो हो रहे हैं वो तो सत्ता पक्ष के इशारों पर हो रहे हैं। विक्टिम्स का पहला सवाल ये था, क्या शमशाद भाई हमने जो 11 लोगों को खोया है क्या वो लोग अपने आप मर गए? उनको किसी ने नहीं मारा। ये फर्स्ट रिएक्शन मेरे कोर्ट से बाहर निकलने के बाद हुआ। सुबह 11 बजे से हम लोग कोर्ट में इंतजार कर रहे थे और कोर्ट जज साहिबा हमारी 5:30 बजे आई और उन्होंने दो लाइन में गुजराती में ये कहा, बधा आरोपियों ने आरोप मुक्त करवामां आवे छे, यानी कि सारे आरोपियों को आरोप मुक्त करने में आ रहा है जी। और उन्होंने इस दो लाइन में अपना फैसला सुना दिया। पूरा जजमेंट हम लोगों के लिए देखना बाकी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या 28 फरवरी 2002 को जिस दिन दंगा हुआ, पूरे गुजरात में दंगा हुआ, अहमदाबाद में, मैं खाली आपके दर्शकों के लिए थोड़ा सा एक छोटा सा करेक्शन कर दूं कि नरोड़ा पाटिया नहीं है, नरोड़ा गांव है। जो नरोड़ा पाटिया का जजमेंट अगस्त में आ गया था जिसमें माया कोजनानी और बाबू बजरंगी को ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट किया था, बाद में माया कोजनानी को हाईकोर्ट ने छोड़ दिया, लेकिन बाबू बजरंगी की सजा को बरकरार रखा और बाबू बजरंगी नरोड़ा पाटिया में जमानत पे हैं। लेकिन ये नरोड़ा गांव केस जो नरोड़ा पाटिया से 1.5 किलोमीटर पे था, वहां पर 11 लोगों को जिंदा जला दिया गया 28 फरवरी 2002 के दिन पे। अब जिनको अपने घरों में बंद करके जला दिया गया, एक केस में ये था कि एक अल्लाह रखा भूरिया करके एक मृतक है जिनको उनके घर में से बाहर निकाला गया और तलवार से उनको काटा गया और बाद में उन पर पेट्रोल डालकर और जलता हुआ टायर उनके ऊपर डाल दिया गया। और ये सब जो घटना मैं बता रहा हूँ अजय भाई, ये सिर्फ पुलिस स्टेशन, ये सारी पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर घटना हो रही है, पुलिस स्टेशन से बहुत दूर नहीं, पुलिस स्टेशन का गेट है और उसके सामने ये सारी घटनाएं हो रही है। क्योंकि नरोड़ा गांव पुलिस स्टेशन से सिर्फ 35 मीटर्स के डिस्टेंस पे है और सब कुछ वहीं पर मौत का नंगा नाच नाचा जा रहा है, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं। और उसके बाद एंटी वाड़ा करके नरोड़ा पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी इन आरोपियों 5 आरोपियों के नामजद एक FIR लिखवाते हैं कि ये थे और दूसरा 5,000 लोगों का मॉब था जिसने ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। मैं आज के दिन पे मान लेता हूं कि पीड़ितों ने सारे बयान झूठे दिए, SIT का इन्वेस्टिगेशन पूरा झूठा था, लेकिन गुजरात पुलिस के उस अधिकारी ने जिसने पहले दिन पे 5 लोगों के खिलाफ और 5,000 के मॉब के खिलाफ FIR लिखाई थी, क्या वो भी झूठा था? क्योंकि उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन नरोड़ा पुलिस स्टेशन से लेकर क्राइम ब्रांच को दे दिया गया, क्राइम ब्रांच ने इन्वेस्टिगेशन किया, कुछ अपराधियों को पकड़ा, तो क्या वो भी उनके खिलाफ भी एविडेंस नहीं था? लेकिन जब ये लोगों को वहां से मारा काटा गया, उनको घर से बेघर किया गया, ये अलग अलग कैंपों में जाकर रहने लगे, तो वहां कैंप में जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी गए थे, वहां पर जो विक्टिम्स थे उन्होंने कहा कि हमारे घर वालों को मारा गया है, हमारे घरों को लूट लिया गया, हमारे घरों को जला दिया गया है, और पुलिस भी बयान भी हमारे हमारे कहे मुताबिक नहीं लिख रही, जो हमने देखा है, जो हम पे जुल्म हुआ है उस तरह का बयान भी दर्ज नहीं कर रही है जी। और इसके बाद कई सारी संस्थाएं, NHRC, कई सारे पीड़ित सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने एक पिटीशन लगाई और जिस पिटीशन में 2008 में SIT का गठन हुआ 9 केसों के लिए, उसी में से ये केस था जिस SIT ने की जिम्मेदारी थी कि वो सारे एविडेंस को फिर से इकट्ठा करे और उन एविडेंस को ढंग से कोर्ट में पेश करे और जो अपराधी हैं उनको सजा दिलवाए और जो पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाए। उसके बाद इस केस में 10 चार्जशीट फाइल की 2010 तक उन्होंने अलग अलग 10 चार्जशीट फाइल की, एक के खिलाफ कोर्ट को चार्जशीट के बाद जब उसने ये कहा कि जो 10 चार्जशीट है इसमें मेरे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है तो कोर्ट ने उसी टाइम पे उसको बरी कर दिया, लेकिन 85 एक्यूज के खिलाफ ट्रायल चला। ड्यूरिंग द ट्रायल 18 लोग एक्सपायर कर गए, कई सारे विटनेस भी एक्सपायर कर गए, उसके बावजूद भी 100 से ज्यादा आई विटनेसेस थे जिन्होंने घटना को अपनी आंखों से देखा था, वो तमाम आई विटनेसेस ने कोर्ट में बिना फिरे बिना डरे जो कुछ देखा था, जो कुछ उनके साथ हुआ था वो बयान किया। इसके अलावा इसमें साइंटिफिक एविडेंस भी था
कोर्ट कितने का मामले ऐसे होते हैं कि जहां पे आई विटनेसेस होता है लेकिन साइंटिफिक एविडेंस मिसिंग होता है, या ऑफिसर का एविडेंस मिसिंग होता है, लेकिन 9 केसों में से ये एक वाहिद ऐसा केस था जिसमें साइंटिफिक एविडेंस भी था, टेलीफोनिक टावर का एविडेंस भी था और एफएसएल का एविडेंस भी पॉजिटिव था। इन तमाम के बावजूद भी ये सारे लोग छूट गए। क्या आपको ख्याल होगा 2007 में इसी मामले में एक पत्रकार है आशीष खेतान, जी उन्होंने ऑपरेशन कलंक करके एक स्टिंग किया था और उस स्टिंग में इस केस के अपराधी कैमरे के ऊपर यह कबूल कर रहे थे कि उन्होंने अगले दिन किस तरह से तमंचे, रिवॉल्वर, हथियार, पेट्रोल सारी चीजों को मैनेज किया और अगले दिन किस तरह अंजाम दिया। जी ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जिसको नरोड़ा पाटिया कोर्ट में, कोर्ट ने मायाबेन बाहू बाहू बजेंगी और दूसरे अपराधियों को कन्विक करने के लिए एक अहम सबूत माना था, लेकिन नरोड़ा गांव के केस के जज ने इस केस को, इसको किस तरह डील किया है उसको नहीं पता है, जजमेंट आएगा उसके बाद उसको देखेंगे। इसके बावजूद आईपीएस ऑफिसर राहुल शर्मा थे जिन्होंने पूरे कॉल रिकॉर्ड को एनालिसिस किया था और उसका एक सीडी उसको भी इस केस में शामिल किया गया था, और उसका जो टावर लोकेशन था वो जी अपराधियों की टावर लोकेशन जो घटना के समय जो आई विटनेसेस थे जो उन्होंने बयान दिए थे उसके हिसाब से मैच खा रहे थे। और आशीष के स्टिंग को लेकर एक सवाल डिफेंस ने किया था कि इनका वॉइस नहीं है, वॉइस किसी और का मैच किया गया है, तो इस पूरी सीडी को जो उन्होंने पेश की थी और जो पूरा कैमरा और सब कुछ उनका सीज किया था उसको गुजरात एफएसएल और जयपुर एफएसएल से जांच करवाया गया था, जी उन अधिकारियों ने कोर्ट में गवाही दी कि इसमें कोई किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं है। इतने एविडेंस होने के बावजूद भी कोर्ट ने कल 67 लोगों को बरी कर दिया है। मुझको इस फैसले पे बड़ी हैरानी हो रही है, बतौर वकील ये कह रहा हूं कि मुझे अब अदालतों पर भरोसा नहीं रह गया है। जी क्यों? क्योंकि फैसले अब कानून और सबूतों के आधार पर नहीं हो रहे, अब फैसले जो हो रहे हैं वो सत्ता पक्ष के इशारों पर हो रहे हैं, फैसले जो हो रहे हैं वो सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचाने के लिए हो रहे जी हैं। अब जुडिशरी का ये कहा जाएगा वंस अपॉन अ टाइम जुडिशरी वॉज एन इंडिपेंडेंट ना, कि अब मुझे नहीं लगता कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। अब मुझे लगता है कि जुडिशरी अब मैनेज हो रही है, जुडिशरी कानून को नहीं देख रही, जुडिशरी इमोशंस को देख रही है और जुडिशरी इमोशंस में भी उस इमोशंस को देख रही है जो विक्टिम का इमोशंस नहीं है। विक्टिम्स का पहला सवाल ये था, क्या शमशाद भाई हमने जो 11 लोगों को खोया है क्या वो लोग अपने आप मर गए, उनको किसी ने नहीं मारा, ये फर्स्ट रिएक्शन मेरे कोर्ट से बाहर निकलने के बाद हुआ। उन्होंने ये कहा क्या हम सब झूठे हैं, उन्होंने ये कहा क्या ये कोर्ट सिर्फ इन लोगों के लिए ही बनी थी, अगर यही सब करना था तो क्या करने के लिए एसआईटी बनाई थी, ये सब नाटक किसके लिए हो रहा था। लेकिन जी फिर बाद में वो ये भी कहते हैं कि कुछ भी हो ये हमको संविधान से हटाना चाहते हैं, देश के न्यायतंत्र पे से हमारा भरोसा कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन हम उस भरोसे को आज भी कायम और दायम रखकर न्याय की लड़ाई को अगले 21 साल और लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे। हम जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं और पीड़ितों को ये भरोसा 2002 से ही दिला रहे हैं कि देश का संविधान आपको लड़ने का हक देता है, तो उस संविधान के भरोसे हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। हमको लग रहा है कि कोई जज तो होगा जिसको उन पीड़ितों का दर्द महसूस होगा, उन गवाहियों में सच्चाई दिखेगी, उन एविडेंस में सच्चाई दिखेगी, कहीं पे तो इनको इंसाफ मिलेगा। इसीलिए उसी उम्मीद के साथ और देश के संविधान में जो थोड़ी बहुत ताकत बची हुई है उस ताकत के साथ इस लड़ाई को आगे लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जनज्वार जनता की मीडिया।